नमस्कार, हेल्थ केयर में आप सभी का स्वागत है। रहिए फिट, दिखिए फिट और रोगों से रहिए बिल्कुल दूर। हेल्थ केयर के इसी मंत्रा के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं लेकर एक बिल्कुल नया एपिसोड, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त अभिषेक। दोस्तों, आप हमसे जुड़े रहें इसके लिए सबसे पहले जल्दी से अपना पेन उठाइए और लिख लीजिए हमारा ईमेल आईडी। हमारा ईमेल आईडी है hc@p7news.com। आप चाहें तो हमें SMS भेजकर भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। SMS भेजने के लिए अपना फोन उठाकर उसके राइट मैसेज बॉक्स में जाकर टाइप कीजिए HC, उसके बाद अपना सवाल या सुझाव हमें लिखिए और उसे भेज दीजिए 5600680 पर। दोस्तों, आज हेल्थ केयर के इस एपिसोड में हम बात करेंगे वेरिकोज वेन के बारे में। ये बीमारी पैरों से जुड़ी है। इस बीमारी में पैरों की नसें फूल जाती हैं और अक्सर दर्द भी रहता है। वेरिकोज वेन के बारे में और ज्यादा जानने और समझने के लिए आइए सबसे पहले देखते हैं हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। वेरिकोज वेन को समझने के लिए हमें पहले हार्ट के फंक्शन को ध्यान से जानना होगा। हार्ट आर्टरीज के जरिए ब्लड को पंप करता है, और जब खून वापस हार्ट में जाता है तो उसे किसी पंपिंग की जरूरत नहीं होती, क्योंकि तब वॉल्व के जरिए ही ग्रेविटी के थ्रू ब्लड को हार्ट की ओर ले जाते हैं। लोअर वेन में दो तरह के वेन्स होते हैं। पहला सुपरफिशियल वेन, जो खाल के नीचे चलती हैं, और दूसरी वेन वे होती हैं जो मसल्स के बीच में होती हैं, जिसे हम डीप वेन के नाम से जानते हैं। डीप वेन के चारों ओर मसल्स होती हैं, और जब आदमी चलता है तो मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट से ब्लड ऊपर की ओर पंप होता है। सुपरफिशियल वेन्स में वॉल्व होते हैं, जिसमें एक ही ओर ब्लड जा सकता है, जो हार्ट की ओर होता है। कभी कभी जब ये वॉल्व खराब हो जाते हैं तो सारा गंदा ब्लड ग्रेविटी की वजह से इस वेन में जमा होने लगता है और ये वेन फूलने लगती है, जिसे वेरिकोज वेन कहते हैं। वेरिकोज वेन एक कॉमन बीमारी की तरह उभरा है, जो दुनिया भर की करीब 10% आबादी में पाई जाती है। वेरिकोज वेन बीमारी के कुछ कारण हैं, जिसमें प्रमुख है वॉल्व का खराब होना, और वॉल्व खराब होने के कारण हो सकते हैं मोटापा, अधिक देर तक खड़े रहने से, जिनमें डॉक्टर, टीचर, हाउसवाइफ, यानी वे लोग जिन्हें ज्यादा देर तक खड़े रहकर काम करना होता है, स्मोकिंग, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, और कई बार गर्भवती महिलाओं में भी वेरिकोज वेन हो सकती है। पैर भारी होना, पैरों में जलन रहना, पैरों का फटना, खासकर खड़े होने पर, चलने पर दर्द महसूस होना, पैरों में सूजन रहना, खासकर शाम के समय सूजन का बढ़ जाना, पैरों में काली नीली नसों का उभरा हुआ दिखाई देना। यदि बीमारी ज्यादा बढ़ जाए तो काले या भूरे रंग के चकते भी हो जाते हैं, पैरों के बाल हटने लगते हैं, और कभी कभी घाव बन जाता है जो आगे चलकर अल्सर का रूप ले लेते हैं, जिसमें से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। वेरिकोज वेन का इलाज बहुत ही आसान है। यदि आपको लक्षण दिखाई दे तो किसी अच्छे जनरल फिजिशियन या कार्डियोवैस्कुलर सर्जन को दिखाएं। सर्जरी और लेजर टेक्निक के थ्रू इसका इलाज किया जाता है। माइल्ड वेरिकोज वेन में स्टॉकिंग पहनने से ही पूरा ट्रीटमेंट हो जाता है। वेरिकोज वेन में सर्जरी से भी इलाज किया जाता है। सर्जरी में रिकरेंस के चांसेस ज्यादा होते हैं, लेकिन आजकल वेरिकोज वेन के लिए सफल ट्रीटमेंट है लेजर ट्रीटमेंट। ये OPD प्रोसीजर होता है। ट्रीटमेंट के बाद प्रिकॉशंस के तौर पर टेलर मेड स्टॉकिंग्स पहननी होती है, जो 6 से 8 हफ्ते तक पहननी जरूरी है। हाँ, उन चीजों से बचना चाहिए जिसकी वजह से वेरिकोज वेन हुई है। लेजर टेक्निक FDA अप्रूव्ड प्रोसीजर है, और इसका रिजल्ट बेहतर है। रिकवरी फास्ट और OPD प्रोसीजर होने की वजह से ये सर्जरी से ज्यादा आसान है। वेरिकोज वेन के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि वेरिकोज वेन का इलाज न केवल आसान है बल्कि पूरी तरह सफल भी है। वेरिकोज वेन के ट्रीटमेंट के बारे में और अधिक जानकारी देने के लिए अब हमारे साथ हैं अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टर NN खन्ना। अगर किसी को वेरिकोज वेन के लक्षण हो तो उसको ये देखना चाहिए कि पहले तो कंफर्म कराना चाहिए, तो किसी डॉक्टर के पास जाके अपने सिम्टम बताएं। अमूमन तो डॉक्टर्स इसको पहचान लेते हैं, लेकिन बहुत से डॉक्टर इसको लापरवाही से भी देखते हैं और किसी और कारण ढूंढने लगते हैं पैर दर्द का और सूजन का, बट बहुत कॉमनली ये बीमारी भी होती है। इसका डेफिनेटिव टेस्ट जो है वो
डॉपलर से है, एक अच्छा डॉपलर करने वाला व्यक्ति जो कार्डियोलॉजिस्ट हो या रेडियोलॉजिस्ट हो, वो खड़ा करके डॉपलर अगर करे पेशेंट को या खांसी करा के, तो ये बीमारी 99% एक्यूरेसी से पकड़ सकता है। और एक बार बीमारी की डायग्नोसिस हो गई तो फिर इसका इलाज करना बहुत आसान है। एक तो इलाज इसका है कि परमानेंट इलाज है कि सर्जरी करी जाए, बट सर्जरी में मल्टीपल इंसिजन लगते हैं जांग से लेके पैर तक, एड़ी तक, और इसमें काफ़ी निशान पड़ते हैं और ये एक काफ़ी इन्वेजिव और म्यूटिलेटिंग तरीका है। दूसरा तरीका है बिना ऑपरेशन के, जो कि डे केयर प्रोसीजर है, इसको हम लेज़र से ठीक कर दें। और अगर माइल्ड वेरिकोज वेन है तो उसमें हम एक मोजे जैसी टाइट स्टॉकिंग होती हैं जो कि टेलर मेड होती हैं, वो मरीज़ को पहनवाते हैं। अगर वेरिकोज वेन का हम लेज़र करते हैं तो वो अंडर विजन होता है, स्पेशली जिस तरीके से मैं करता हूँ उसको डॉपलर गाइडेंस में प्लस फ्लोरोस्कोपी गाइडेंस में, तो वो अंडर विजन हम सारी वेन्स को और सारे परफोरेटर्स को ट्रीट कर सकते हैं, और इसका रिकरेंस जो है 3 या 4% से ज़्यादा नहीं होता। सो ये ऑलमोस्ट परमानेंट क्योर है अगर ठीक से किया जाए। लेज़र ट्रीटमेंट करने में मुश्किल से आधे घंटे से 40 मिनट लगता है टोटल, जिसमें कि लेज़रिंग टाइम खाली 3-4 मिनट का होता है, और उसके बाद पेशेंट फौरन चल के जाता है। उसका कोई रिकवरी टाइम ऐसा नहीं होता है कि उसको लेटना पड़ेगा या कुछ दवा खानी पड़ेगी, वो फौरन चल के आता है। इसको हम डे केयर प्रोसीजर बोलते हैं। एक बार किसी का वेरिकोज वेन का लेज़र हो गया तो 96% 97% चांस है कि लाइफ लॉन्ग ये बीमारी फिर नहीं आएगी, फिर नहीं होगी। 2 या 3% पेशेंट में कभी कभी एक छोट ये बीमारी रिकरेंस हो सकती है किसी एक या दो छोटी वेन्स में, जिसको हम इसी तरीके से नेक्स्ट सिटिंग में ट्रीट कर सकते हैं। कंपेयर करें लेज़र और सर्जरी को, तो आज के ज़माने में सर्जरी इज़ वेरी इन्फीरियर, लेज़र इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। ये FDA से भी अप्रूव ट्रीटमेंट है, और वर्ल्ड ओवर सर्जरी से ट्रीटमेंट लेज़र की ओर पूरा शिफ्ट हो गया है। अब ये है कि लेज़र इसलिए बेटर है कि वन, पहली चीज़ इसका रिज़ल्ट अच्छा है, ऑलमोस्ट 96-97% पेशेंट लाइफ लॉन्ग क्योर हो जाते हैं। सेकेंड, ये बहुत फास्ट रिकवरी है, विद इन 30-40 मिनट में पूरा प्रोसीजर हो जाता है और पेशेंट को उसी समय डिस्चार्ज होकर वो घर चल के जा सकता है। थर्ड, इसमें कोई काटा पीटी नहीं होती, कोई टाँका नहीं लगता, कोई काटा पीटी नहीं होती, कोई बेहोशी नहीं दी जाती, जो कि सर्जरी में होती है कि बेहोशी दी जाती है, या कोई लंबर ब्लॉक किया जाता है, फिर मल्टीपल कट्स होते हैं, एटलीस्ट 5-6 जगह उसमें निशान होते हैं जहाँ पे हम काटते हैं स्किन को, वेन को खींच के निकालते हैं या बांधते हैं। और फोर्थ जो है, इसमें अगर हम कॉस्ट देखें तो कॉस्ट ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है सर्जरी और लेज़र की। हो सकता है यंग एज में ये बीमारी, मतलब यंग मतलब हम कहेंगे 20 साल के नीचे ये बीमारी कम होती है बट कम होती है। 20 साल के ऊपर सबसे ज़्यादा अगर इसकी हम वो देखें इंसिडेंस, तो 20 साल से लेके 55 साल 60 साल के बीच में बीमारी सबसे ज़्यादा होती है। ऑल्दो लेज़र जो है ये डे केयर प्रोसीजर है, बट ये इंश्योरेंस से टोटली कवर्ड है। ऐसे में पेशेंट्स को हम एक दिन बाद छुट्टी करते हैं, बिकॉज ये एक डेफिनेट इलाज है और सारे इंश्योरेंस कंपनी इसको कवर करती हैं, और हम पेशेंट को 24 घंटे बाद छुट्टी करते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि किसी को बहुत पेन हो या पैर में दर्द हो या सूजन आए तभी वेरिकोज वेन हो, या ये ना हो तो वेरिकोज वेन नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत लोगों की नस बड़ी प्रोमिनेंट होती है लेकिन उनको पेन नहीं होता, बहुत लोगों को ब्लीडिंग होने लगती है, अल्सर हो जाता है लेकिन उनको पेन नहीं होता, किसी को सूजन होती है लेकिन दर्द नहीं होता। तो ये सिम्टम अगर हैं तब तो पक्का ही उसको करना है, लेकिन अगर सिम्टम नहीं है और हमें मेजर साइन मिल रहे हैं वेरिकोज वेन के, तब भी उसका इलाज करना ज़रूरी है, क्योंकि फिर ये बीमारी बढ़ जाती है आगे। हाँ, अगर ये बीमारी आगे बढ़ जाए तो सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है कि एक तो पैर में स्किन खराब हो जाती है, और दूसरा उसके बाद ये स्किन फट जाती है और वेन भी फट जाती है, तो ब्लीडिंग होती है और ऐसे अल्सर बन जाते हैं जिसको हील करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, अनलेस कि हम लेज़र से इसको ठीक ना करें। वो घाव नासूर जैसे बन जाते हैं और सालों सालों तक चलते हैं। नहीं, वेरिकोज वेन लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता, लेकिन लाइफ के लिए बहुत बड़ी न्यूसेंस हो सकती है। तो दोस्तों, वेरिकोज वेन का लेज़र ट्रीटमेंट बहुत ही सेफ है और बहुत ही सफल भी है, और ऐसा सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं। आइए हम आपको मिलवाते हैं ऐसी कुछ महिलाओं से जिन्हें वेरिकोज वेन की परेशानी थी, जिन्होंने लेज़र ट्रीटमेंट कराया और आज वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं और खुश भी हैं। जैसे कि मुझे पहले पता चला, मेरा जब सेकेंड प्रेगनेंसी तब था,
जिस डॉक्टर के अंडर में मैं थी तब उन्होंने मेरे को बोला था जी आपका प्रेगनेंसी के टाइम ब्लड ये ब्लीडिंग हो सकता है, तो आपका पैर में वेरिकोज वेंस है। तो आप तब से मेरे को पता चला, क्योंकि पैर में तब उसी टाइम मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। लेकिन वो कुछ साल बाद, जैसे कि उसको हम नेग्लेक्ट करते हैं, उसको हम इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते, वेंस है तो क्या है, कुछ नहीं होगा ऐसा। लेज़र ट्रीटमेंट में मेरा ऑपरेशन हुआ, क्योंकि ये दो तरह क्या ओपन सर्जरी भी होता है इसमें और लेज़र में होता है। तो ओपन सर्जरी में कि आपका पूरा वेंस को पूरा ओपन करके, वो काफ़ी लेंथी भी होता है एंड आपका शरीर में बहुत बहुत कुछ कट्स भी हो सकता है। तो लेज़र में इतना कटिंग भी नहीं होता है, अंदर अंदर ही वो लेज़र थेरेपी थ्रू होता है। तो लेज़र थेरेपी में ही बेस्ट ट्रीटमेंट है। ये प्रॉब्लम मुझे सबसे पहले सेकेंड डिले जब प्रेग्नेंट थी, सेकेंड इशू के समय, तब से हुई थी। और फिर मैंने तब अपनी कंसल्टेंट डॉक्टर जो थी मेरी, उनसे मैंने पूछा था, तो उन्होंने कहा आफ्टर डिलीवरी ठीक हो जाएगी, पर आफ्टर डिलीवरी ये ठीक नहीं हुआ। तो मैं एक दो बार और उनसे राय ली थी, तो मुझे ऐसा कहा गया कि हाँ ठीक हो जाएगा, पर फिर मैं भी उतना ध्यान नहीं दी और ये धीरे धीरे बढ़ता चला गया। नहीं, शुरू में वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं होते थे, बाद में लेकिन फिर पैर में स्वेलिंग होने लगी, पैर बहुत दुखने लगता था, खासकर एड़ियों के पास बहुत दर्द होती थी। तो फिर डॉक्टर को मैंने दिखाया एक दो बार, तब भी ऐसा इसका कोई मतलब मुझे कोई ऐसा अवेयरनेस मिला नहीं कि हाँ इसका आगे चल के क्या इम्प्लिकेशन हो सकता है। तब मैंने फिर काफ़ी ज़्यादा हो जाने के बाद, काफ़ी टाइम भी बीत गया, तो वेरिकोस मेरा काफ़ी बढ़ गया था। और उसके बाद फिर मुझे इचिंग शुरू हो गई, तो इचिंग करने पे एक दो बार ब्लड आ गए थे, तब मैंने डॉक्टर से राय मशवरा लेना शुरू किया। फिर मेरे हस्बैंड के फ्रेंड थे, उन्होंने मुझे डॉक्टर खन्ना का बताया था, फिर उनके पास हम गए, तो फिर उन्होंने लेज़र ट्रीटमेंट के बारे में बताया, जो मुझे काफ़ी ईजी लगा। देखिए, लेज़र ट्रीटमेंट जो मैंने कराया उसमें मुझे सबसे तो बहुत ईजी लगा, मतलब उतना परेशानी नहीं हुआ। और उसके बाद मुझे खुद पैर हल्के लगते थे, काफ़ी हल्के लगते थे, मतलब पेन भी बहुत रिलीफ मिला मुझे पेन से, स्वेलिंग मेरी कम गई, बिल्कुल स्वेलिंग कम गई। और उसके बाद धीरे धीरे मुझे जो मेरे पैर में थोड़े से डिस्कलरेशन आ गए थे वो सारे ठीक होने लगे। तो डॉक्टर ने कहा कि थोड़ा सा लाइफ स्टाइल आपको चेंज करना पड़ेगा, उसमें क्या है कि बहुत देर तक खड़े नहीं रहना है, और मेन तो यही होता है कि बॉडी वेट ज़्यादा आप उस पर नहीं डालिए, थोड़े थोड़े ड्यूरेशन में आप थोड़ा पैर ऊंचा करके रख लीजिए। क्योंकि पहले तो होता था लोग बैठकर खाना बनाते थे, आज के समय में क्या है, हर काम समझिए खड़े होकर होता है। जब डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं कि आप करा लीजिए, तो उनकी बात पर थोड़ा सा आप ट्रेस आउट कीजिए, क्योंकि आप लोगों लोग तो दस मुँह हैं, दस तरह की बातें आती हैं, वो आपके लिए उतना उचित नहीं होता है। एक कंसल्टेंट जो उसके स्पेशलिस्ट है, उनकी बात बहुत आपको फायदे करेगी और आपके लाइफ के लिए बेटर होगा। वेल फ्रेंड्स, हेल्थ केयर में अभी आगे है हेल्दी टेस्टी डिश, सेहत की संजीवनी, हेल्थ खबर और टिप ऑफ द वीक, ये सब कुछ मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद।